आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है, फिर भी जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। वो रहिए जो आप है और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। कोई आपको बुरा कहे तो कहने दो, क्योंकि आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। एक जंगल में बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला, और वही ये सोचते बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ, वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती है। वो मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, जमीन खोदकर दाने चुगता, और वो इतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता। मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं है। उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। पढ़ो लिखो लड़ो हंसो रो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। बार बार आंसू साफ करने की बजाय अपनी जिंदगी से उसको ही साफ कर दो, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो समय और शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जिसने कहा कल दिन गया कल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। हम इस तरह हारेंगे कि तुम जीत कर पछताओगे। सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो, ये लोग जब तुम्हें खोएंगे यकीन मानो बहुत रोएंगे। अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो के इस दुनिया का कोई अमीर से अमीर आदमी भी आपको खरीद ना सके। अगर नजरिया खूबसूरत हो तो हर चीज खूबसूरत नजर आती है। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वो किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। परिवार के साथ हमेशा बने रहे, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जो देख खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। रिश्ता कोई भी हो उसमें एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। कुछ दर्द होना ही चाहिए जिंदगी में जनाब, जिंदा होने का एहसास बना रहता है। तूफान में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते।
सारी दुनिया को जीतने का दम रख है बंदे, क्योंकि एक हार से लोग फकीर और एक जीत से सिकंदर नहीं बनते। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है तकलीफ। सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा, मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजर अंदाज रखो। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, मगर डूबती नहीं। कोई भी परेशानी वास्तव में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे बार बार सोचकर बना देते हैं। लाइफ में वह मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करे। नशा करना ही है तो मेहनत का करो, बीमारी भी सफलता वाली होगी। ख्वाहिश भले छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, मगर शर्त ये है जो भिसेगा वही चमकेगा। सफलता किस्मत और मेहनत का संगम है। जब आप कुछ गंवा बैठते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा को न गंवाएं। श्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती है। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलो, अंत में सब अच्छा होगा। अगर कुछ अच्छा नहीं है तो ये अंत नहीं है। जहाँ भी रहो वहाँ लोगों की आवश्यकता बनकर रहो, उन पर बोझ बनकर नहीं। मैंने जीवन में उस इंसान से कुछ नहीं सीखा जो हर बात में मुझसे सहमत था। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले पर हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार करते हैं। शब्द चाहे कितने ही हो हमारे पास, पर किसी के दिल को खुश न कर सके तो सब व्यर्थ है। किसी की चंद गलती पर न कीजिए कोई फैसला, बेशक कमियां होगी पर खूबियां भी तो होगी। दुनिया में छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। ईमानदारी किसी कायदे कानून की मोहताज नहीं होती। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, उसी घर में भगवान बसते हैं। किंग की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। समय के साथ अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करिए, नहीं तो जिस दिन आपको समय जबरदस्ती बदलाव करवाएगा तब तकलीफें बहुत होगी। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो रोज सुबह आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। जो बिखरता है वो एक दिन जरूर निखरता है।